रीवा अब मध्य प्रदेश का पांचवा महानगर बन चुका है। रीवा में हुए औद्योगिक सम्मेलन में जहां बड़े बड़े आईएएस ऑफिसरों ने सचिवों ने ये बताया कि विंध्य में रीवा में क्या ऐसी योजनाएं आने वाली हैं और यहां की विशेषताओं के बारे में बताया, तो वहीं तमाम मंत्रियों ने रीवा के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की तारीफों के पुल बांधे। इस वीडियो में सुनते हैं कि रीवा के बारे में, विंध्य क्षेत्र के बारे में लोगों ने क्या कहा। ये सबसे ज्यादा केवल इसी बेल्ट की बात करें तो देश में जितना सीमेंट होता है उसका 10% सीमेंट केवल सतना, कटनी, रीवा इस इलाके में होता है। इतने सारे प्रेशर उसके बावजूद एक फोकस्ड कॉन्क्लेव रीवा में करने की आवश्यकता थी जो आज यहाँ पर किया जा रहा है। तो हम लोग बात करें तो बिजली सबसे पहली आवश्यकता होती है उद्योगों के लिए, पानी, जमीन, ये तीनों चीजों में मध्य प्रदेश भरपूर है। पिछले 20 वर्षों में देखें, एक जमाना था जब 2003 में लोग मध्य प्रदेश का नाम लेते थे कि यहां पर बिजली नहीं होती। पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन 10 गुना हो गया। 2003 में मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन की क्षमता थी 3100 मेगावाट और आज है 31000 मेगावाट से ज्यादा। तो हमारे दूसरे कॉम्पिटिटिव राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उनकी तुलना में हमारे औद्योगिक बिजली की दर कम है और पानी की दर भी जो है बाकी राज्यों की तुलना में कम है। पूरे दुनिया में हमारा नंबर 140 के आसपास होता था और 5 साल के अंदर अंदर हम 140 से उठ के 63वें नंबर पर आ गए। तो टॉप अचीवर के कैटेगरी में मध्य प्रदेश लगातार बना रहा, लगातार टॉप 5 राज्यों में। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जिसको कहना चाहिए कि गुड गवर्नेंस। मध्य प्रदेश शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अंदर और बाहर का कोई फर्क नहीं, जो आता है वो यहां का होके रह जाता है। मध्य प्रदेश की ये बहुत बड़ी खूबी है कि बाहर से जो भी आता है उसे अपना मान के अपना लेते हैं। आपको कभी यहां पर रहने के बाद जो बाहर से लोग आए कभी आप अपने आप को बाहरी व्यक्ति महसूस नहीं करेंगे। वैसे तो जलप्रपात बहुत ही केवटी बिलौही और पूर्वा में बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात है। यहाँ पे सिंगरौली को भारतवर्ष का कोल कैपिटल और पावर कैपिटल दोनों एक साथ कह सकते हैं और रीवा, सतना, कटनी क्षेत्र को इंडिया का सीमेंट कैपिटल हम कह सकते हैं। विंध्य की धरती, ये धरती जो भगवान श्री राम के कथानक में चित्रकूट से जुड़ी हुई है, शारदा माता का मैहर में मंदिर है, शास्त्रीय संगीत में विश्व प्रसिद्ध मैहर घराने का संगीत यहाँ का लोकप्रिय है। इसी धरती से विश्व प्रसिद्ध संगीत विशेषज्ञ तानसेन और परम ज्ञानी बीरबल, यहाँ से जिन्होंने अपनी उनकी कर्मभूमि रही और उन्होंने अपनी प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन किया। सबसे आखिरी में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही अदब और लिहाज से बोली जाने वाली मिश्री जैसी, शहर जैसी मीठी हमारे बघेलखंड की बोली है। मैं पूरे बघेलखंड की तरफ से, चूंकि यहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, मैं आप सभी का यहाँ पे इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। हम लोग एक सोलर पंप की बहुत बड़ी योजना लागू कर रहे हैं जिसमें राज्य भर में जो हमारे किसान हैं उनको हमारी बिजली पर आश्रित रहने के बजाय सोलर पंप से बिजली प्राप्त कर चुकेंगे। अभी तक की हमारी अवधारणा ये रही है कि अगर आईटी, आईटीएस और ईएसडीएम के बारे में बात करें तो हम ये मानते हैं कि ज्यादातर प्रगति बड़े राज्यों के बड़े शहरों से होती है, बेंगलोर, हैदराबाद, नोएडा। और जब भी आईटी और आईटीएस की बात होती है तो ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश उन सब राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ है। इस अवधारणा को मैं आज आपके समक्ष ध्वस्त करना चाहता हूं और ये सिद्ध करना चाहता हूं कि वास्तव में जो अगला राउंड ऑफ ग्रोथ आने वाला है आईटी, आईटीएस सेक्टर में, वो किसी बड़े शहरों से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों से आने वाला है। उसमें इंदौर है, जबलपुर है, रीवा है, भोपाल है, ग्वालियर है। और उसके गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की नेतृत्व में वो सारी सुविधाएं दे रहा है जो किसी भी राज्य में किसी भी आईटी और आईटीएस इंडस्ट्री को नहीं दी जा रही है। बल्कि और मैं मजाक में यह कहता हूं कि कर्नाटक जो कितना भी बड़ा शहर क्यों ना हो वो केवल 5 स्क्वायर किलोमीटर का है, क्योंकि वहां के कोई भी कर्मचारी 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते क्योंकि इतना ट्रैफिक है कि वहां से जाना अपने आप में एक समस्या है।
अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम जहां पर हमारा AQI लगभग 60 के आसपास रहता है, बाकी शहरों में 90-100 बड़ा सामान्य है रहना, और कभी कभी 200 और 400 तक टच करता है दिल्ली जैसी जगहों पर। और रीवा की बड़ी खासियत है कि रीवा शहर का निवासी रीवा में ही रहना चाहता है चाहे कुछ भी हो जाए, और इसलिए यहां पर अगर उसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। एट्रिशन रेट जो सबसे बड़ा चैलेंज आईटी और आईटीएस में है वो सबसे कम रीवा में होने वाला है, और इसलिए ये जरूरी है कि रीवा और रीवा के आसपास में आईटी आईटीएस लगाया जाए। दूसरा जो सबसे बड़ी सुविधा है डिफेंस कॉरिडोर की, जो बड़ा ही नजदीक है मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र से, सतना के क्षेत्र से, और आप सबके बीच में चूंकि डिफेंस कॉरिडोर है, ESDM की पॉलिसी में ये सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं, आप इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत उदाहरण, आज आपके रीवा के आर्मी सैनिक स्कूल से पढ़े हुए चीफ ऑफ आर्मी एंड एडमिरल नेवल दोनों अधिकारी रीवा से हैं। ये कनेक्ट रीवा का है और इससे कनेक्ट डिफेंस कॉरिडोर है, जबलपुर नजदीक में है, डिफेंस के क्षेत्र में, ESDM के क्षेत्र में पॉलिसी का लाभ लेकर आप निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। यहाँ के जो डेस्टिनेशन हैं पूर्वा फॉल, क्योटी फॉल, ये सब इतने बड़े अट्रैक्शन हैं, इनके आसपास हम और भी पर्यटन परियोजनाएं बनाएंगे और उनको विश्व पटल पे लेकर के जाएंगे। और पूर्वा फॉल के पास बहुत एक इंटरेस्टिंग माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय के नजदीक है, गौ अभ्यारण्य बनाया है वहां पे बसामन मामा, जहां पे 7,000 गायों को रखा गया है और उसकी कैपेसिटी 10,000 गायों की है। एक और हिनौती में 25,000 गायों के लिए बन रहा है, ये अपने आप में अद्भुत उदाहरण है। इसमें सरकार कम, जनभागीदारी बहुत ज्यादा है और ये अपने आप में दर्शनीय स्थल बनने वाले हैं रीवा के लिए। हमारा कंसेप्ट अभी जो हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं उसमें ये है कि हम कैसे काशी और अयोध्या और प्रयागराज, जो कि हमारे बहुत नजदीक है, 100 किलोमीटर से 200-250 किलोमीटर के बीच में, ये ऐसे स्थान डेवलप हो रहे हैं जो रिलीजियस और आध्यात्मिक टूरिज्म में पूरे विश्व में जिनका अपना स्थान है और वहां पे करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट आते ही हैं। अभी कुंभ मेला भी प्रयागराज में आने वाला है, तो हमारा प्रयास होगा कैसे हम उत्तर प्रदेश के उस हिस्से को मध्य प्रदेश से जोड़ दें और गंगा जी से नर्मदा जी का एक कॉरिडोर बनाए, पर्यटन का कॉरिडोर बनाए। अमृत लाल बेगड़ जी के शब्दों में, गंगा जी श्रेष्ठ हैं तो नर्मदा जी ज्येष्ठ हैं। हमें इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इतना बड़ा अट्रैक्शन ये हो जाएगा रिलीजियस टूरिज्म के लिए, और जब कोई भी व्यक्ति उधर से इधर आता है तो यहाँ पे आके अभिभूत हो जाता है यहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य है और जिस प्रकार का यहाँ का वातावरण है। इतने नजदीक इतने अच्छे सुंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी जो है आदरणीय हमारे शुक्ल साहब ऐसे हैं, हमको लेने हरिद्वार ही पहुंच गए थे कि आपको आना ही पड़ेगा, तो आपका भी बहुत अभिनंदन है और आपका प्रयास है। सब जगह मैं अभी आते ही कई जगह घूमने के लिए गए, लोगों ने कहा कि ऐसा है कि यहाँ काम शुरू होने के बाद लोग देखने कम आते हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ज्यादा आते हैं, बोले कहाँ क्या क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो बहुत ही अच्छा है। रीवा के क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में पहुंचे हैं, आप सबको भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सच में यह धरती, क्योंकि यह कला संस्कृति परंपरा की भूमि है, संस्कृति से संस्कार युक्त लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, हमने देखा है। यहाँ पर लोगों में जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, सरलता है, ईमानदारी है, वह सच में वह प्रशंसनीय है, स्तुत्य है। किसी भी कार्य को करने के लिए वह पहली आवश्यकता भी है, तो इसके लिए यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। आज लोग कहते हैं आटा किसी भी गेहूं का हो बिकता सर्वती गेहूं के नाम से, ये आपके लिए गर्व की बात है। तो अब क्या संभावनाएं हैं, भारत सरकार ने एक योजना बनाई अभी कि गेहूं, धान, गन्ना, ये हमारे लिए, क्योंकि जब हरित क्रांति का समय था ये हमारी आवश्यकता थी, हमारे लिए जरूरी चीजें थी। खाद्यान्न है, इनको छोड़कर के बाकी जैसे जड़ी बूटियां हैं या तिलहन वगैरह हैं, सरसों वगैरह जो तेल के पदार्थ हैं, इस तरह के अलग क्रॉप में जाते हैं, तो वहां पर कुछ सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। हालांकि सहयोग बहुत कम है, परंतु उसमें हमारे लिए मददगार यह है कि हम उससे किसानों को ट्रेनिंग करने के लिए, बीजों पर खर्चा करने के लिए उससे मदद मिल जाती है। तो उस मदद के आधार पर शर्त यह है कि हम उस क्रॉप को पूरा बायबैक करेंगे 100%। यहाँ पर क्योंकि यह सरसों का क्षेत्र है, पहले से ही बहुत यहाँ पर सरसों हैं, तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए सरसों सहित जड़ी बूटियां, बाकी जितने भी जो खाद्य उत्पाद हैं उस प्रसंस्करण के लिए आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने पहले से जगह एक निश्चित करी हुई है, यहाँ से कोई 60-70 किलोमीटर दूर पर, वहां पर भी पतंजलि अपना
कार्य जो है अपना उद्योग वहां पर प्रारंभ करेगा, ये मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं। देखिए हम कई बार देश के अंदर कई बार ऐसी बातें होती हैं, जैसे हमारे पास कहीं तो कुछ क्रॉप तो एक्सेस है पर कहीं जगह पर शॉर्टेज भी है। जैसे तेल की बात ही है, जैसे हमने कहा ना गेहूं ने मध्य प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बनाया है, अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की शुरुआत भी माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदृष्टि से इस मध्य प्रदेश से पूरे देश में यह योजना पहुंचने वाली है। अगली योजना के लिए मैं कहता हूं कि यदि तेल, देखिए तेल बहुत जरूरी है परंतु आज तेल हम दुश्मन देशों से खरीदते हैं। 3 लाख करोड़ का लगभग पाम ऑयल इंडिया में इंपोर्ट होता है, यह एक्चुअल डेटा है। मजबूरी है कि जिन देशों से हम तेल खरीद रहे हैं वो दुश्मन देश है, हमसे पैसा लेते हैं और हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। तेल हमारी मजबूरी है और इस मजबूरी को, हालांकि पतंजलि ने ऑयल पाम प्लांटेशन के माध्यम से पूरा दक्षिण स्टेट और नॉर्थ स्टेटों में कुछ बड़ा प्रयास किया है, पर सरसों और सूरजमुखी जैसे जो चीजें हैं मध्य प्रदेश में इतनी संभावना है कि इस तेल की कमी को कोई पूर्ति कर सकता है। तो मैं यहां से कह सकता हूं मध्य प्रदेश वो सबसे अग्रणी भूमिका मध्य प्रदेश निभा सकता है इस कार्य के लिए। पतंजलि के लिए जो भी आदेश होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर हैं, हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदय, सब पूर्ण मध्य प्रदेश सरकार यहां पर है, यह निवेदन हम करना चाहते हैं। क्योंकि जो और ऐसी जगह पे जहां पे कभी एक रीजनल कॉन्क्लेव नहीं हुआ है वहां पे इस तरह का समारोह का आयोजन किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी और उनके पूरी टीम को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने यहां पे आयोजित किया और उससे पूरे रेवा को एक इंडिया के मैप में जगह मिलेगी। इस कार्यक्रम को आयोजित करना मैं जानता हूं एक शादी से कम नहीं है। बहुत लोगों को बहुत रातों तक बिना सोए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सबको एक इतना बढ़िया इंतजाम करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, ये तो हम सबने देखा ही है, लेकिन उसकी एक पहचान आज मैंने देखा। मैं करीब 18 महीने पहले यहाँ आया था और वहां पे हम लोग जब हवाई एयरपोर्ट पे लैंड किए थे छोटी सी हवाई पट्टी थी, लेकिन आज एक वो लिटरली 18 महीने में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन गया है एंड वहां पे एक जेट लैंड कर सकता है। एंड मैंने सुना है कि अभी यहाँ से भोपाल की एक उड़ान मतलब जारी हो रही है जहाँ पे 999 रुपए में लोग जा सकते हैं, तो हवाई जहाज में हवाई चप्पल पहन के भी लोग जा सकते हैं और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है रेवा के लिए। मेरे को एक चीज और देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि एक मैंने इको पार्क देखा आज, वहां पे अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य था और वहां पे लोकल नौजवानों को लोकल नवयुवकों को मौका देकर एक बहुत ही सुंदर और आनंद पूर्वक जगह बनाई गई है वहां पे, तो वो भी इतने कम समय में डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक तीव्र गति से विकास के कुछ उदाहरण देखने को मुझे मिले। पूरे मध्य प्रदेश में 4 चांद लगा दिए,